सत श्री अकाल जी। वैलबिंग बाय पीबीएन दे विच तुहाडा स्वागत करदा हां। स्मार्ट सिटी लुधियाना दे विच रोज़ गार्डन दे विच अज एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रीज वालों सारी एनजीओज दी एक एग्जीबिशन लगाई गई। इस विच स्पैशल तौर ते संभव फाउंडेशन वालों एक स्टाल लगाया गया जिस विच उन्हां दा जो भी एक मकसद सीगा ओह उन्हां नूं दस्सिया गया। आओ गल करदे हां संभव फाउंडेशन दे कुछ मैंबरस होर अते होर एन जी ओज़ दे मैंबरस दे नाल। हाँ जी गगन जी, अज संभव फाउंडेशन की इतने एग्जीबिशन जो तुहाडी एन जी ओ वालों एग्जीबिशन लगाई गई है, बारे कुछ दसोगे जरा? बहुत वधिया इनिशिएटिव है। सारी फर्स्ट टाइम लुधियाने च होया है कि सारिया एन जी ओज़ लई कोई एक प्लेटफॉर्म, सिंगल प्लेटफॉर्म जिथे सारे अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो संभव फाउंडेशन एक बहुत वधिया, मतलब जो जो इनिशिएटिव है साडे असी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बड़ा वधिया क्राउड है, बहुत ज़्यादा बंदे आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अज जतिंदर सर नहीं आए तो थोड़ी उन्होंने कमी लग रही है, बट बहुत वधिया जा रहा है जी। तो इसका जी एग्जीबिशन एन जी ओ वालों लगाई गई है तो की मकसद की है? संभव फाउंडेशन का एक ही मकसद है जी, मालकी जगाना। भी लुधियाना साडा है, पंजाब साडा है, देश साडा है। असी सिर्फ काम मालकी ते करते हैं, भावें कोई भी एरिया होवे, कोई भी जगह होवे, कोई सैक्टर होवे, सिर्फ मालकी ते असी काम करते हैं। तो उहदे लई ही बच्चों नूं, वड्डियां नूं, सारियां नूं प्रेरित करना, अपनी ओनरशिप होर वधाना, साडा काम उत्ते ही रहिंदा है। बेसिकली इहदा अज दा अवेयरनेस प्रोग्राम हैगा सीगा। सारा जो काम करदा हैगा कि जिन्नियां 60 ऑर्गेनाइजेशनस ते एनजीओस काम कर रही हैं ग्राउंड लेवल ते लुधियाने दे विच, उन्हां सारियां नूं इकट्ठे करना, जो काम कर रहे हैं उन्हां नाल जान पहचान होना, ते ताकि असीं इकट्ठे मिल के लुधियाने नूं वधिया लेवल ते लैके जा सकीए। उहदे वास्ते अज असीं इकट्ठे होए हां। संभव फाउंडेशन चेयरमैन जतिंदर पाल सिंह मनचंदा जी हैगे ने, ते साडी मेजर जिहड़े असी चीज़ ते काम करदे हो हैगी है बैटर इफैक्टिवनैस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एनवायरमेंट ते क्लीनलीनैस। संभव फाउंडेशन एक जानी मानी फाउंडेशन है शहर की, जिहड़ी सोशल कॉजेज़ दे विच बहुत वध चढ़ के हिस्सा लैंदी है और इहदा अपने आप दे विच इक नाम है। सो एक उपराला हुण शुरू किया जा रहा है भी आपां सब तो वध ग्रीनरी वाला शहर है जिहड़ा वो लुधियाणे नूं आपां उपर लैके आउणा है। किवें संसार दे विच इक नक्शे दे विच अलग तरीके नाल उभरना चाहीदा है सारा लुधियाणा। सो पहल लुधियाणे तो की जाऊगी, फिर हौली हौली पूरा पंजाब कवर किया जाऊगा। इसलिए लोगों को जागृत करने की जरूरत है भी आप अपने घरों दी छत्तां दे उपर किवें अपने घर जोगियां सब्जियां जां रंग बिरंगे फुल, ये चीज़ों की पैदावार असी आप खुद कर सकते हैं। जदों असी संभव की गल करते हैं तो जिहड़ा नाम ही है वो दस दिंदा है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। काफ़ी साल हो गए ने संभव के नाल जुड़िया, जदों जतिंदर सिंह मनचंदा जी की गाइडेंस दे विच ट्री प्लांटेशन का बीड़ा चुक्या गया सी पूरे पंजाब दे विच, मैं उदों का संभव फाउंडेशन के नाल जुड़िया होया वां। एंड बहुत ही अच्छा स्टैप, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स एंड स्पैशल कि इन्होंने यंगस्टर्स नू जिस तरीके दे नाल इनवॉल्व किया, तो यंगस्टर की एनर्जी नू चैनलाइज किया चंगे पासे, जो अज दे साडे पंजाब दे हालात ने उस चीज़ नू ध्यान च रखते हुए संभव फाउंडेशन का तो जतिंदर मनचंदा जी का बहुत ही वड्डा योगदान है। तो मेरा सारे अपने यंगस्टर्स नू इक्को ही रिक्वेस्ट है कि तुसी अगर इस दुनिया दे विच आए हैगे हो तो कुछ ना कुछ दे के जाओ, क्योंकि लैना तो असी जिस दिन इस धरती पर आने लैना शुरू कर देने है। क्या मैं राहुल वर्मा पंजाब रोड सेफ्टी कौंसल का मैंबर, उस तो पहला संभव फाउंडेशन का मैंबर। संभव फाउंडेशन नाल काम करके मैं इस स्टेज पर पहुँचा वा कि मैं पंजाब लिए कुछ चीज़ा कर पा रहा और स्पैशली लुधियाने लिए बहुत कुछ असी प्रयत्न किए। संभव फाउंडेशन नाल मिलके असी जगराओं ब्रिज का जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम सी असी रिजॉल्व किया, तो जिदे मैं बाद स्टेट अवार्ड भी मिलया संभव फाउंडेशन का ही अवार्ड आ। तो उस तो बाद असी जिन्ने भी अनवांटेड कट से वो बंद करवाए प्रशासन नाल मिल के। तो असी उस तो बाद प्लांटेशन संभव फाउंडेशन नाल मिल के बहुत ज़्यादा की 1 लाख प्लांट 1 घंटे लगाया सीगा, जिहड़ा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सीगा उस वेले। उस तो बाद सानू देख के बहुत और बाकी लोग भी शुरू होए आ। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, सारे ही सेम वो लैन। संभव फाउंडेशन का मेन जिहड़ा नाम के पिछे मकसद है कि संभव मीनस सब कुछ संभव है। असी प्रशासन नू या लोगों कंप्लेंट नहीं करते है, असी सोल्यूशन देने की कोशिश करी दी आ कि जिहड़े साडे कोल असी समझते हैं बीइंग नागरिक और बीइंग रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री सानू सोल्यूशन देना चाहिए वा rather than complaints. Thank you. लुधियाना के जितने इंडस्ट्रीज़ हैं, NGOs हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके एक एक्सपो लगाया है जिसके अंदर लुधियाना के सारे NGOs अपने काम दिखा रहे हैं और उनके NGO में वॉलंटियर्स की फंडिंग की या किस तरह से सपोर्ट की नीड है वो सब शेयर कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली एक रिसोर्स बैंक बनाया है इसे कि NGOs एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये बेसिक पर्पस है इस एक्सपो का। तो यहाँ पे DC सर आ रहे हैं, मेयर आ रहे हैं, ममता आशू मैम आ रही हैं। तो इससे सबसे ये होगा कि ये लुधियाना के वो रिकग्नाइज्ड फेसेस हैं जिससे लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ये NGOs भी लुधियाना के NGOs हैं जो कि 20-25 साल से पुराने हैं और जिन्होंने इनफ ट्रस्ट गेन किया है। तो हमारे लिए भी और हम सब वॉलंटियर्स के लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट है कि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हमको हमारे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए। Our service towards the society, and we wanted to tell people we are running a school, Vidyakunj, in Chhatar Singh Park, where we have many children studying with us and we get them admitted to government schools as we prepare them. They are from the slums. Rest, we are very green people and we always promote greenery. We have adopted Ishmeet Singh Dwivedi and Dholewali Chowk also. Now today we are here in this expo to inaugurate our new project. This is a cart project which we are going to put at the Centrium building, the main of Pakhawal Road, where we want to support other NGOs also. I am very happy to be a part of this NGO Ludhiana Cares. We started working in 2015, so it's been almost 6 years. The first major project that we did was recouping of the civil hospital. Lots of work was done there, like we put up a big machine for the washing of clothes, and the whole renovation was taken up by the members, and it's a vast difference from what it was and what it is now. And then we started with looking after the underprivileged children, starting the school as Diki has just told, and other project, the main what is very close to our heart is again what she's already mentioned about the greenery in the town. I'm Radhika Gur, President of Inner Wheel Ludhiana Mid Town. एक लेडीज इंटरनेशनल क्लब है जिहदे कि ऑल ओवर वर्ल्ड विच 1,10,000 मैंबर्स ने, तो असी इस लुधियाना विच साडा एक क्लब लास्ट 35 ईयर्स तो काम कर रहा है। तो आलमोस्ट साढ़े 70 मैंबर्स है जिन्हां नाल कि असी इकट्ठे होकर असी सारे सोसाइटी दे विच बहुत सारे काम करते हैं, जिवें कि असी नेत्रहीनां नूं असी ब्लाइंड लई कंप्यूटर भी दिता है, व्हील शेयर्स, आर्टिफिशियल लिम्स, जिन्होंने जिस चीज़ की जरूरत होंगी है असी उन्हां दे हर फील्ड विच काम करते हैं। जिहड़ा कि क्लब साइकलिंग क्लब है, ये नॉर्थ इंडिया का पहला रजिस्टर्ड क्लब है। तो साडे क्लब का मकसद ये हैगा कि असी लोगों को जागरूक करते हैं साइकिल तो साइकलिंग के प्रति, भी लोकी साइकिल नूं एज ए ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट करन, अपने डेली दे छोटे मोटे जिहड़े काम हैगे ने घर दे वो साइकिल दे उत्ते भी करन। ते जिहड़े असी प्रोफैशनल साइकलिस्टां नूं भी बना रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ने, प्रोफैशनल डॉक्टर्स भी हैगे ने, बिजनेसमैन हैगे ने, वकील भी हैगे ने साडे क्लब दे विच। ते तुसीं देख सकदे हो छोटे बच्चे भी ने साडे कोल, कोई 8वीं दे विच हैगा वा, कोई 10वीं दे विच हैगा, बिजनेसमैन भी हैगे ने साडे नाल जिहड़े जुड़े हुए ने साइकलिंग लई। तो सब तो मेन काम यह नहीं है कि असी सिर्फ साइकलिंग करते हैं, इस तो इलावा जिमें असी प्लांटेशन भी हैगी आ, क्लीन सिद्धवा कनाल फाउंडेशन के नाल जुड़े हुए हैं, भी जो कि ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। हम CRO से हैं, कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड हम कंज्यूमर्स को गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई उनको लीगल एड चाहिए, एडवाइस चाहिए, हम सब उनको सब हेल्प करते हैं। CRO टीम खास तौर पे मैं दसना चाहूँगी ये जिहड़ा साडा एकजोत विकलांग बच्चों दी सेवा केंद्र है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੱਸੇ ਖੇਡੇ ਆ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 32 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸੇਬਲਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਏਡ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਲਾਚਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਦਾ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਕਲਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ NGO ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ NGO ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਈ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। NGO ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 50 ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। NGOs ਦਾ अपना बड़ा महत्व हैगा ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ NGOs ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ जानकारी मिलती है कि NGOs एक दूजे को किवें सपोर्ट कर सकदियां। मेरा नाम अमनदीप सिंह पुलर है, मैं HDFC बैंक का मार्केटिंग मैनेजर। असी इत्थे एक जिहड़ी एग्जीबिशन लगाई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिटी नीड्स है NGO, उहदे विच असी भी एक स्टॉल लगाया है। असी HDFC बैंक का एक बहुत ही अच्छा इनीशिएटिव है साडा टैलेंट अनलॉक, जिन्हों असी इत्थे प्रमोट कर रहे हैं। सो इस इनीशिएटिव का जोड़ा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जिदा असी जानते हैं सारे कि इंडिया के टैलेंट की कमी नहीं हैगी। सो हुण आपां सारिआं ने लॉकडाउन दे विच भी देख लिया कि इन लोगों ने कितना इंजॉय किया है, इंजॉय कराया सानू। सो उस चीज़ नूं ही नज़र विच रखते हुए असी HDFC बैंक लैके आया है टैलेंट अनलॉक, जिहदे विच कोई भी एज का इंसान human being of India can upload his video, his audio or his picture of his talent। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਕ ਵਿਨਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰਸ ਹੋਊਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। सो जिमें कि यह सारे लिए ओपन हैगा, जिमें कि somebody इज़ गुड इन सिंगिंग, कोई गाना अच्छा गाते ने, somebody इज़ गुड इन पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये उहदे लई भी ओपन है। तुसी उहदी बस एक आर्ट एंड क्राफ्ट करके उहदी एक पिक्चर क्लिक करके इस लिंक दे उत्ते अपलोड करनी है HDFC बैंक टैलेंट अनलॉक दे उत्ते, ते यू कैन विन अ प्राइज़ ऑफ 1 लाख रुपीज़। असी सारे एक नूर सेवा केंद्र के वॉलंटियर्स जो सिटी नीड्स वालों जो एग्जीबिशन रोज़ गार्डन लगाई गई है उत्थे आप सबका स्वागत करते हैं जी। साढ़े सारे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। एक नूर सेवा केंद्र जिवें कि तुसीं जानते हो कि मैडिकल कॉज लई काम करती है, सिविल हॉस्पिटल और चैरीटेबल हॉस्पिटल्स के विच, जिथे कि जिन्हां दी किडनीज फेल है, जिहड़े डायलिसिस ते उत्ते पेशेंट्स है उन्हां दा ट्रीटमेंट करवाया जाता है। उस तो इलावा जनरल सर्जरीज, लैपरोस्कोपिक सर्जरीज ते होर जिहड़े महंगे टेस्ट है जिद्दां CT स्कैनस या MRI वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं उन्होंने लोगों दियाँ जो अपना इलाज नहीं करवा सकते। यह सब सेवा आप जी के दसवंध के नाल चलती है। जोड़ा हूँ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है वह है नेकी का हॉस्पिटल जोड़ा कि आलमगिर गुरुद्वारा साहब रोड के उपर तैयार हो चुका है। तो इस वेले इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिस तरह डायलिसिस मशीनस ने, ICU का जोड़ा बन रहा है, तो मॉड्यूलर OT बन रहा है, वो सब के सहयोग की लड़ है। उस तो इलावा गिल चौक के उपर नेकी की दुकान है जी, तो एक तुरी लाइन तो साड़ी नेकी की रसोई है। बाकी तो सब चीज़ों के बारे साढ़े बलजिंदर सिंह ने दसिया है। बीर जी नेकी की रसोई की करती है, जेडे भी हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, जिथे भी खाने की लड़ है, परिवार अपना भोजन का, पेशेंट अपने भोजन का अरेंजमेंट नहीं कर सकता, हर रोज़ दोनों टाइम उन्होंने खाने का सिस्टम, डॉक्टरी एडवाइस नाल उन्होंने कोई भी डाइट है, दलिया है, खिचड़ी है, फ्रूट है, उसदे लई हर टाइम तैयार रहती है, हर रोज़, ना कोई मंडे है ना कोई संडे है। नेकी की रसोई दूरी लाइन पर बनी हुई है जी, दोनों टाइम का भोजन शाम को ठीक 3:30 बजे जच्चा बच्चा केंद्र सिविल हॉस्पिटल के सामने। दलिया दुध की सेवा ये रेगूलर चल रही है जी 2016 तो। ये लिए मैं सारे दोस्तों को हत्थ जोड़ के अपील करदा भी आओ जुड़ो तो आप इस सेवा को और अगे और हॉस्पिटलों में वधाइए। तो साडा हैल्पलाइन नंबर 9915254112 ये साडा हैल्पलाइन नंबर है जी। 9907560000 ये साडा फूड हैल्पलाइन नंबर है। धन्यवाद। ਸੰਭਵ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਸਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਘੁੰਮਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ।